अभी दिल्ली का अंजलि हत्याकांड सुलझा भी नहीं था कि एक ऐसी ही वारदात फिर सामने देखने को मिली है। जी हां, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक मामूली सी बात पर शख्स को कार के बोनट पर करीब 1 किलोमीटर तक घसीटने वाली महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में FIR दर्ज की गई है। आरोपी कार सवार महिला का नाम प्रियंका बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों कारों में टक्कर हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप ये भी है कि इस दौरान महिला ने अश्लील इशारा किया था। इसके अलावा दूसरी कार में सवार दर्शन और उनके साथियों यशवंत, सुजान और विनय के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया गया। ये घटना ज्ञान भारती नगर क्षेत्र की बताई जा रही है। यहाँ टाटा नेक्सन और मारुति स्विफ्ट कार के बीच टक्कर हो गई। नेक्सन कार एक महिला चला रही थी, जबकि स्विफ्ट कार दर्शन नाम का एक शख्स चला रहा था। दोनों वाहनों की टक्कर के बाद महिला और दर्शन के बीच बहस हुई। आरोप है कि इसी दौरान महिला ने दर्शन को बीच की उंगली दिखाकर अश्लील संकेत किया। इस पर आपत्ति जताते हुए दर्शन महिला की गाड़ी रोककर उससे बात करने के लिए गया। गुस्से में महिला ने उस पर काट चढ़ाने की कोशिश की। खुद को बचाते हुए दर्शन उसकी कार की बोनट पर आ गया। इस दौरान महिला ने उसे अपनी कार की बोनट पर करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा। इस हादसे को लेकर DCP ट्रैफिक वेस्ट का कहना है कि दो कारों की टक्कर हुई थी। इसमें महिला ने दर्शन की कार में टक्कर मारी। उसने महिला को रोकने के लिए कहा, लेकिन महिला अपनी कार से बाहर नहीं निकली। वो गाड़ी चलाती रही और अश्लील संकेत किया। इस पर दर्शन ने उसका पीछा किया। आप भी इस वीडियो को देखिए कि किस तरह दर्शन अपनी जान बचाने के लिए बोनट को पकड़ा हुआ है। मान लीजिए कि अगर वो फिसल जाता तो उसको कितनी गंभीर चोट आ सकती थी। इस दौरान उसने दर्शन को कार के बोनट पर काफी दूर तक घसीटा है। इसके बाद कार रुकी और इस दौरान दर्शन और उसके साथियों ने कार में तोड़फोड़ की। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।